किचन से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। क्या उसमें देखो, सबसे पहले है डाइट प्लान। डाइट प्लान आपको बताना पड़ेगा। डाइट प्लान में ये है कि आपको सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे को हार्म कर रही है, वो तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपको मक्खन, मलाई, घी, इसका त्याग देना है, क्योंकि तो ये इम्यूनिटी आपको कम करता है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को आपने त्यागना है। जैसे मैदा है, आपने नहीं, भटूरे हैं, भटूरे हैं, जैसे उसमें हर तरह का जो जिसमें पदार्थ हाई कार्बोहाइड्रेट होगा, मैदा टाइप, वो आपने बिल्कुल नहीं खाने। उसमें हरी सब्जियां खानी है, उबली सब्जी खानी है, आपने तड़के वाली सब्जी नहीं खानी जिसमें तड़का लगता है, आपने वो चीज़ नहीं खानी, क्योंकि तो वो आपको इम्यूनिटी भी कम करता है और आपको और तरह की एलिमेंट्स हैं जैसे ओबेसिटी एंड क्रोनिक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज टाइप कंडीशंस क्रिएट करता है, तो उसको अवॉइड करना है। हो सके जैसे ग्रीन स्मूदी होता है वो आप ज़्यादा लें, तुलसी वाला पानी वो ले सकते हैं, जिंजर वाटर वो ले सकते हैं, आपको विटामिन रिच डाइट ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, ज़्यादातर आप फ्रूट्स लें, सैलड्स लें, फ्रूट्स लें। फ्रूट्स में आपका जो कंटेंट है शुगर का वो कम रहता है, तो साथ में आप हर एक डाइट में आप पल्सेस, लेग्यूम्स जैसे जो पीली दाल है या मसूर की दाल है वो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रोटीन्स अच्छी क्वांटिटी की आपको प्रोटीन्स मिले, जो क्योंकि उनको इसी से ही आपका प्रोटीन जनरेट करना है। सोयाबीन ले सकते हैं, वो प्रोटीन रिच डाइट है। फिर आप अभी कहते हैं कि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी वो आपको अच्छे मिनरल्स भी देंगी और आपको अच्छी एक आपका कॉन्स्टिपेशन ही रहेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।